हाँ जी बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है हमारे पास, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात हो रही है हमारे। उससे पहले हमने पहले डिस्कस कर रखा है रिगार्डिंग दी स्टीफंस लॉ एंड वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो एक्सपेरिमेंटल लॉज के बारे में हम पढ़ चुके हैं बेटा। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ ने जो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन दिया था टू एक्सप्लेन दी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। चलिए बेटा, तो हमारे सामने दे रखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो परफेक्ट ऑब्जॉर्वर इज ए परफेक्ट एमिटर आल्सो। तो जो सारी रेडिएशन को वगैरह को ऑब्जॉर्व करेगा वही सारी रेडिएशन को एमिट भी करेगा एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्लैंक्स लॉ ने क्या बताया था, तो उसने थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कर्व थी उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था। तो पहले क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह में, क्लासिकल फिजिक्स में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी बाय रेली जीन्स लॉ, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिली थी। तो अल्ट्रावायलेट वहां पे प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। वो उसके बारे में जो कैटास्ट्रोफ वगैरह है उसको भी हम यहाँ पे डील करने की कोशिश करेंगे। तो से पहले क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं। तो प्लैंक्स लॉ जो है उसने क्वांटम थ्योरी को स्टार्ट किया था यहाँ पे। तो जो हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो उस पर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज एक्सप्लेन्ड बाय द मैक्स प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो हमने अभी लास्ट टाइम कर्व देखा था, जो हमारे पास कर्व आती है जैसे जस्ट लाइक दिस वन, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी थी। तो दैट वॉज द लॉ। तो उसने क्या बताया था, सो ही सेड दैट द सोर्स ऑफ रेडिएशन इज ऑसिलेटिंग एटम्स। मतलब उसने क्या बताया था कि जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है, जो रेडिएशन एमिट हो रही है ब्लैक बॉडी से, जो अब हम उसका मिशन स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो वो मिशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑसिलेटिंग एटम्स। तो ऑसिलेटिंग एटम क्या करेंगे, दे विल बी वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशन। तो जो वाइब्रेशन एनर्जी एसोसिएट होगी ऑसिलेटर के साथ, दैट कैन हैव ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। यहाँ से क्वांटम थ्योरी की स्टार्टिंग हो जाती है कि क्लासिकल फिजिक्स मानती है कि जो जो भी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी दैट विल नॉट बी क्वांटाइज, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस कर्व। तो कॉन्टिन्यूस एनर्जी होनी चाहिए, कोई भी मोड एमिट हो सकता है, कोई भी एनर्जी मोड अवेलेबल हो सकता है फॉर द मिशन और फॉर द एक्सक्रीशन फ्रॉम दी ब्लैक बॉडी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग या प्लैंक्स लॉ के कॉरेस्पॉन्डिंग वाइब्रेशनल एनर्जी इमिटेड बाय ऑसिलेटर कैन हैव ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज। जस्ट लाइक हमारे पास जो एनर्जी लेवल है उसके बीच में अगर ट्रांजिशन होती है, तो फोटोन की एक पर्टिकुलर E इज इक्वल टू एच न्यू का कंसेप्ट जो है वो यहीं से आता है। तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू का यहाँ पे फंडा आता है बेटा। सो एवरेज एनर्जी की बात करें तो एवरेज एनर्जी पर मोड और क्वांटम इज द एनर्जी ऑफ द क्वांटम टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ऑक्यूपाइड। तो हमारे पास यहाँ पे बता रखा है कि एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑसिलेटर विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू। तो अगर हम सिर्फ सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो उसको एच न्यू के साथ लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू एच न्यू। लेकिन अगर दो लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रही है ए इज इक्वल टू एच न्यू की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑक्यूपेशन प्रॉबिलिटी भी आएगी। तो ऑक्यूपेशन प्रॉबिलिटी दैट इज नथिंग बट जो आपके पास बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, बिकॉज फोटोन जो होता है दैट इज स्पिन वन पार्टिकल, तो उसमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बोस पार्टिकल है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही आएगा। तो ई रेस्ट पार एच न्यू बाय के टी माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फोर आइंस्टाइन बोस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये उसका एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मोड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये वाले काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है बेटा, ये आपको एग्जाम में ट्रैक लिया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो जो प्लैंक्स ने डेरिवेशन वगैरह की थी उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, रादर देन दैट हम इसको डायरेक्टली फॉर्मुलेशन वगैरह इसके लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला फॉर्मुलेशन मैंने आपको बता दिया कि प्लैंक्स ने कैसे किया था, कि उसमें क्वांटम थ्योरी को डील किया था एंड उसने एनर्जी मोड्स को डिस्क्रीट रखा था, ठीक है जी। वो वाली बात हम अभी कर चुके हैं। सो फॉर द एनर्जी रेडिएटेड वगैरह पर यूनिट वॉल्यूम बाय अ ब्लैक बॉडी इन द वेवलेंथ। तो यहाँ पे दो तरह के आपको प्लैंक्स लॉ के फॉर्मूले वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, एक होगा एक इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, दूसरा होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। दोनों सेम ही है, सी इज इक्वल टू एच न्यू इंटू एफ के, सॉरी सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, और उसके साथ वहां से आप नॉलेज लेके इसको कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, दोनों आप दोनों में से एक रिमेंबर रख लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। सो फॉर द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम बाय अ ब्लैक बॉडी इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, द प्लैंक्स लॉ कैन बी गिवन बाय। तो प्लैंक्स लॉ का रिलेशन जो है दो अलग अलग दे रखे हैं, एक ई लैम्डा के टर्म्स में दे रखा है, मतलब ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा की टर्म में दे रखा होगा,
इट विल बी गिवन बाय 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा रेस टू पावर 5 इनटू 1 बाय ई रेस टू पावर एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा के टी माइनस 1। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है। दूसरा होता है रिलेशन बेटा, ये हमारे पास ई न्यू एच न्यू के ई न्यू इंटू डी न्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रिक्वेंसी इंटरवल। तो दैट विल बी गिवन बाय 8 पाई एच इंटू न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब इंटू 1 बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी माइनस 1। तो सिंपल से रिलेशन है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनको आपको रिमेंबर ही रखना पड़ेगा, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग। इनको आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ये दोनों चीजें आप रिमेंबर ही रखेंगे। अब बात आ जाती है कि जो फिजिकल कर्व है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, क्लासिकली क्या हुआ था और एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ था अदर देन दी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी की फॉर्मुलेशन है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मुलेशन है। तो फ्रिक्वेंसी हम न्यू के साथ लिख लेते हैं, वेवलेंथ हम लैम्डा के साथ लिख रहे हैं। तो अगर आप रेडिएट इंटेंसिटी या मतलब पावर की बात करोगे, पावर कितनी रेडिएट हो रही है वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट करोगे, तो जो कर्व आएगी यहाँ पे, जैसे हमने प्रीवियस देखा था स्टीफन्स लॉ के कॉरेस्पॉन्डिंग भी सेम ही कर्व बनेगी, ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। तो वहां पे हमारे पास यहाँ पे पता चलता है कि जो रेली जीन्स लॉ है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, तो क्लासिकल फिजिक्स का लॉ है दैट इज डिपेंडेंट ऑन स्केयर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो स्केयर ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से यहाँ पे क्या आता है कि लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो ये लॉ वैलिड होता है, मतलब एग्जैक्ट कर्व को कॉरेस्पॉन्ड करता है, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डेविएट कर जाता है, जिसको हम अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं। मतलब ये लॉ जो है एक्सपेरिमेंटल फीचर्स को वैलिडेट नहीं करता, मतलब उससे डेविएट हो जाता है, तो इसको अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ भी बोलते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के, क्वांटम थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग, प्लैंक्स लॉ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है बेटा, वो एक्सप्लेन हो जाती है, वो लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी और हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर दोनों को जगह पे इसको सस्टेन करती है। तो अगर आप वेवलेंथ की टर्म में इसको एक्सप्लेन करने जाओगे, तो आपके जो क्लासिकल लॉ है वो कहाँ पे फेल हो रहा था, लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी, हाई वेवलेंथ के ऊपर, हायर वेवलेंथ के ऊपर रेले जीन्स लॉ यहाँ पे डेविएट कर जाएगा, तो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ जो होगा हायर वेवलेंथ के ऊपर आएगा, या लोअर फ्रिक्वेंसी बोल लीजिए या फिर हायर वेवलेंथ बोल लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है, जो प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मुलेशन है वो एग्जैक्टली इसको रिप्रोड्यूस करेगा। तो अब हम बात करते हैं स्टीफन्स लॉ एंड जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ की। तो जब हमारे पास प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जो प्लैंक्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, उसको अगर आप इंटेग्रेट करोगे ओवर दी रेंज 0 टू इन्फिनिटी, तो उसको वहां से हमें क्या मिलेगा बेटा, इट विल गिविंग यू स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे दे भी रखा हुआ है कि आपके पास, जैसे आपके पास पता भी होता है कि एनर्जी डेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा इंटू टी रेस्ट बार का 4 का कंसेप्ट आप ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हो। तो जो मैंने कल बताया था पावर रेडिएटेड का कंसेप्ट, पावर रेडिएटेड इट विल बी प्रोपोर्शनल, इट विल बी गिवन बाय सिग्मा कांस्टेंट, ए इज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, एंड टी रेस्ट टू पावर 4 का कंसेप्ट आएगा कि बॉडी अगर जितनी ज्यादा हॉट होगी उतनी ज्यादा पावर रेडिएट करेगी। तो वो वाला कंसेप्ट भी यहाँ से ड्राइव हो जाता है। तो यहाँ पे दो तीन तरह की फॉर्म दे रखी है, एक पावर रेडिएटेड वगैरह की फॉर्मुलेशन में है, जिसमें एरिया, सरफेस एरिया वगैरह भी दे रखा होता है, दूसरे वाले में एनर्जी डेंसिटी का कांसेप्ट है, जैसे मैंने ए इक्वल टू सिग्मा टी रेस्ट पावर 4। तो दोनों का कांसेप्ट यहाँ पे सिमिलर सा ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस इसमें आपको फॉर्मुलेशन का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है जी, दोनों आप रिमेंबर रख सकते हैं, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख लीजिएगा कौन सा आपको कन्वीनियंट लगता है। अब बात आ जाती है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ की। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ई लैम्डा डी लैम्डा का कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो प्लैंक्स लॉ है दो अलग अलग फॉर्मुलेशन में दिया जाता है। अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ई लैम्डा का अगर बात करें, तो इसकी मैक्सिमम एक्सट्रीम कब आएगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे मैंने आपको बता रखा है कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यू होगी तो लैम्डा मैक्सिमम आएगा फॉर ए गिवन टेम्परेचर। तो अगर इसको डी लैम्डा के साथ डेरिवेटिव कर ले लोगे, तो मैक्सिमम के ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, 0। तो वहां से क्या निकल आएगा, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो डी बाय डी लैम्डा ऑफ ई लैम्डा, हम अगर हम इसको 0 कर देंगे तो वहां से हमारे पास लैम्डा मैक्सिमा निकल के आएगा। अगर उसको फॉर्मुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो लैम्डा इनटू टी का कांसेप्ट जो है दैट विल गिव राइज यू वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो जो प्लैंक्स लॉ है वहां से स्टीफन्स लॉ भी निकल आ जाता है और हमारे पास वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आ जाता है। तो रेली जीन लॉ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्लासिकल लॉ है,
यहाँ पे क्या निकल के आता था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर वहां पे एच न्यू डिवाइडेड बाय ई रिस पर एच न्यू डिवाइडेड बाय के टी माइनस वन के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ था, लेकिन क्लासिकली वो क्या होता है बेटा, के टी के बराबर हो जाता है क्लासिकली। लेकिन क्लासिकली ये चीज हम यहाँ पे नहीं मानेंगे बिकॉज हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। तो रेली जीन्स लॉ एनर्जी डेंसिटी अगर आपको एग्जाम में आ भी जाए तो उसको न्यू स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनलिटी लेके चलना है, ठीक है, जहां पे लिखा भी हुआ था। इट इज द एक्सप्रेशन इक्वेशन ड्राइव्ड फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स टू डिस्क्राइब द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑल्दो द रेली जेन्स लॉ वर्क्स फॉर लोअर फ्रीक्वेंसीज, इट डाइवर्जेस एज न्यू स्केयर नोन एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। तो ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ वगैरह आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चनिंग कैसी होगी। तो मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चनिंग आती है बेटा, प्लैंक्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, दूसरी क्वेश्चनिंग होती है स्टीफंस लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग, और तीसरी क्वेश्चनिंग होती है आपको वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग। इज इक्वल टू सिग्मा एन टू टी रेस पावर 4 लैम्डा एन टू टी आपके पास बी के बराबर। तो ये दो जो न्यूमेरिकल मैंने आपको ऑलरेडी स्टडी करवा रखे हैं, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, तो वहां पे दोनों के दोनों आपके जो रिलेशन है वो वैलिडेट हो जाते हैं, वहां पे उसकी आपकी काफी सारी एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो तीसरा मैंने अभी बताया कि प्लैंक्स लॉ जो है, तो प्लैंक्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग आपको काफी डिटेल क्वेश्चनिंग हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज एनर्जी का कंसेप्ट बता दिया, एच न्यू का कंसेप्ट बता दिया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट बता दिया, तो वो आप वहां पे पढ़ सकते हैं। एक और कंसेप्ट होता है जो मैंने आज यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, वो एनर्जी मोड्स का होता है, ऑसिलेटर मोड्स का होता है, तो वो आप डिटेल में इंटरनेट के ऊपर पढ़ सकते हैं, बिकॉज मैं वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहता। सो बेस्ड ऑन दैट उसके बारे में आप इंटरनेट के ऊपर पढ़ सकते हैं अगर कोई डीपली इंटरेस्टेड है तो, बिकॉज उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, सो आई वॉन्ट टू कीप इट सिंपल। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्लैंक्स लॉ, लेकिन प्लैंक्स लॉ का कंसेप्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो प्लैंक्स लॉ को डिड्यूस करके कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई इसमें रिलेशन नहीं सॉल्व किया गया है, रादर देन दैट उसने सिंपल मैथमेटिक्स के रिलेटेड इसमें क्वेश्चनिंग की है। तो लेकिन है क्वेश्चन ये प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का ही है। तो यहाँ पे दे रखा है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज गिवन बाय, हमारे पास इंटेंसिटी पैटर्न दे रखा है, मतलब पावर रेडिएटेड बाय पर यूनिट एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे रहेगा। एक चीज मैं पहले बता दूं बेटा, मैंने आपको बताया था कि स्टीफंस लॉ क्या होता है, पी इज इक्वल टू सिग्मा ए इंटू टी रेस्ट पावर 4 पूछ लिया जाता है। तो पावर पर यूनिट एरिया अगर यहाँ से निकालोगे दैट विल बी सिग्मा टी रेस्ट पावर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो इसका का तो क्या मतलब होगा, इट विल बी रेडिएंट प्रेशर। तो रेडिएंट प्रेशर का भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो आप पूछोगे प्रेशर कहाँ पे आ गया, तो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया, तो दैट विल बी टर्निंग आउट टू बी ए रेडिएट प्रेशर की बात आ जाएगी। तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टी रेस्ट टू पावर 4 का कंसेप्ट, वो वाला क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में आ जाता है, उसके बारे में भी आप इंटरनेट के ऊपर पढ़ सकते हो। तो हमारे सामने एक प्लैंक्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है। तो वेयर न्यू इज दी फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन सेम ही है, ईस्ट पर एच न्यू डिवाइडेड बाय के टी माइनस वन ही दे रखा है, पेट पाई इंटू न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी क्यूब इंटू एच न्यू दे रखा है, सेम सेम रिलेशन है जो प्लैंक्स के बारे में अभी हमने लिखा था, हमें पता होगा तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हमने इसने बोला हुआ है एक कर्व दे रखी है, देर इज कर्व, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो एक फंक्शन दे रखा है दैट इज आई ऑफ न्यू एंड टी, मतलब जो इसके जो पैरामीटर है दैट इज डिपेंडेंट ऑन न्यू एंड टी, जैसे हमें ऑलरेडी पता है, एंड इसके जो ग्राफ है इट इज बिटवीन आई एंड डी। तो उसने बोला इफ द टू कर्व्स कोइंसाइड, तो दो अलग अलग टेम्परेचर है, अगर दोनों का कर्व्स ने कोइंसाइड करना है तो उसमें उसने क्या बता रखा है, देर शुड बी अ फंक्शन आई इंटू न्यू स्क्वायर वर्सेज न्यू रेज टू पावर बी डिवाइडेड बाई टी, मतलब दो टर्म्स के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर इसमें कॉरस्पॉन्डिंग अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ए एंड बी की वैल्यू हमें पूछी गई है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये हमारे पास एक कर्व दे रखी है, प्लैंक्स लॉ का एक्सप्रेशन दे रखा है इंटेंसिटी का कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने क्या बोला है कि कर्व सेम कब होगी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट, ये कर्व हमें चाहिए सो दैट कि हमारे पास अगर जो हम दो पैरामीटर का रिलेशन बना के उसको प्लॉट करें तो दोनों इंडिपेंडेंट ना नजर आए, दोनों बोथ शुड बी रिप्रेजेंटिंग दी सेम थिंग, मतलब सिंगल कर्व ही हमें दिखनी चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो कुछ भी हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए कि टेम्परेचर अलग हो गया तो कर्व भी अलग हो गई।
इसको सिंपली सॉल्व करना है, हमारे पास रिलेशन दे रखा होता है बेटा, रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, वी हैव टू प्लॉट दिस थिंग। अगर हमने प्लॉट करना है, हमारे पास ए एंड बी पैरामीटर ढूंढने हैं, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, न्यू रेस टू पावर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करने जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड के ऊपर भी मैंने आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। और उसके बाद हमने क्या निकालना है, न्यू रेस टू पावर बी डिवाइडेड बाई टी का कंसेप्ट चाहिए, वो क्या है, कहाँ से आएगा बेटा, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कैसे आएगा, एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी आपके पास ऑलरेडी है, न्यू रेस टू पावर बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यू रेस टू पावर बी से डिवाइड भी कर दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड ऑफ द डे आपके पास इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड सेम ही रहेगी, राइट हैंड साइड में ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, 3 + a बनेगा, बिकॉज बेस सेम हो गया, तो 3 + a के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। तो सिंपल सा काम है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मैथमेटिक्स से तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने टेकअप किया इस क्वेश्चन का, बिकॉज बैफ्लैक्स लॉ के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्यादा आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी कई बार क्वेश्चन मिल जाते हैं, कई बार आपको क्वेश्चनिंग वहां पे स्पेसिफिक हीट के क्वेश्चनिंग हो जाती है, तो मॉलिकुलर फिजिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है इसके विद रिस्पेक्ट टू। तभी हम क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने इसको अभी टच नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, दोनों चीजें टेकअप हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, एच न्यू हमारे पास, हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये चीज अलग चाहिए, बिकॉज हमने प्लॉट क्या करना है, न्यू ऑफ बी डिवाइडेड बाय टी, तो ये वाला पोर्शन क्या हमें करेंगे, इसको हम यहाँ पे टेकअप करेंगे, ठीक है जी। तो हमने क्या करिए, न्यू ऑफ बी डिवाइडेड बाय टी अलग कर लिया, एच न्यू इंटू न्यू रेज टू पावर सॉरी डिवाइडेड बाय न्यू रेज टू पावर बी इंटू के, ये अलग निकाल लिया। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम दो अलग अलग फैक्टर बना चुके हैं, जब फैक्टर बन गए तो हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें पता है कि हमने सॉल्व क्या करना है, हमारा जो रिलेशन है टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इसको आप क्या करो, जीरो पुट कर दीजिए। जीरो पुट करोगे तो एंड ऑफ द डे आपके पास ए इज इक्वल टू -3 निकलेगा, और उसके साथ न्यू ऑफ बी डिवाइडेड बाई टी का रिलेशन आपके पास होना चाहिए, मतलब इसको प्लॉट करना है तो दूसरे रिलेशन में फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, तो 1 - b को भी आप जीरो पुट करोगे तो बी इज इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा। सो ए शुड बी इक्वल टू -3 एंड बी शुड बी इक्वल टू 1 हेयर। अगर इसको प्लॉट करने जाओगे तो आपके पास ऐसा रिलेशन बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने इसको सॉल्व करके ही लिखा है, ए इज इक्वल टू -3 पुट कर दिया एंड बी इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो एक्स एंड ऑफ द डे न्यू डिवाइडेड बाई टी को एक्स पुट कर दीजिए, इस रिलेशन को वाई पुट कर दीजिए, तो आपके पास सारे का सारा रिलेशन टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जहां से पता चलेगा कि अगर टेम्परेचर डिफरेंट भी है तो कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये सिंपल सा रिलेशन इसको जस्टिफाई कर देगा। तो आपके क्वेश्चन में कॉरेस्पॉन्डिंग -3 एंड 1 का आइडिया था आपके पास ए एंड बी का, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन डी विच इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स से आपको थोड़ा कंफ्यूज कर किया गया इस क्वेश्चन के द्वारा, लेकिन प्लैंक्स लॉ अगर पता होगा तो आप टेम्परेचर का आपका फॉर्मुलेशन पता होगा कि टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट वो कैसे होगा, तो आपको अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कई बार क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कई बार इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सो आज हमने डिस्कस किया प्लैंक्स लॉ के बारे में, सम फॉर्मुलेशंस ऑफ स्टीफंस लॉ, सम फॉर्मुलेशंस ऑफ वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वैसे ही न्यूमेरिकल आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।